नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नगर की बड़ी बड़ी होटलों से लेकर विभिन्न समारोह में पिए जाने वाले आरओ के पानी की गुणवत्ता राम भरोसे है। इसकी वजह से यह कि आरओ के पानी की जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की तरह नहीं की जा सकती। बहरहाल अब यह आरओ का पानी कानून के दायरे में लाया जा रहा है। ऐसे में पानी में किसी तरह की गड़बड़ी या फैक्ट्री में मापदंडों का पालन नहीं किया गया तो एक्ट के तरह कार्रवाई तह है। इसमें अधिकतम 4,00,000 रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जिले भर सहित नगर में भी आरओ का पानी बेचा जा रहा है। यह आरओ का पानी कैन आदि में भरकर भेजा जाता है, जिसकी कीमत लगभग 2 रुपए प्रति लीटर आती है। दफ्तरों, घरों, शादी समारोह व अन्य बड़े कार्यक्रम में लोगों को आरओ का पानी ही मिलता है। इसी तरह इसका चलन विद्यालयों, रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य सार्वजनिक जगहों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है। हर जगह पानी का व्यावसायिक उपयोग होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से ना तो इसमें नमूने लिए जा रहे हैं और ना ही इसकी जांच हो पा रही है। आरओ का पानी बेचने वाले बड़े ही शातिराना ढंग से इस पानी को कैन में भरकर बेचते हैं और कैन को सील नहीं करते, जिसके कारण यह एक्ट के दायरे भी नहीं आते। अगर आरओ के पानी को सील कर बेचा जाता हो तो वह पानी एक्ट के दायरे में आ जाता है। आरओ में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने लायक है या नहीं, गंदे पानी का उपयोग तो नहीं हो रहा। जिस प्लास्टिक के बर्तन में आरओ का पानी भरकर बेचा जा रहा है वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। आरओ वाटर बनाने वाली कंपनी में कार्यरत कर्मचारी टोपी व दस्ताने लगा रहे या नहीं, कानूनी दृष्टि से उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी होना आवश्यक है। आरओ फैक्ट्री में साफ सफाई व जगह मापदंड के अनुसार यह है या नहीं, नमूने होने के बाद जांच में यह पता चल जाएगा कि पानी में रासायनिक तत्व, जीवाणु व अन्य हानिकारक चीजें तो नहीं है। यह सब जांच होने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।